What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Studlover Family. दोस्तों मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और बिल्कुल जोश में अपने दिन को स्टार्ट करना है बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आप लोग बिल्कुल एंड तक जब दिन को एंजॉय करेंगे तो आप लोग का ये जोश जो है वो बरकरार रहना चाहिए, लाइफ को शानदार तरीके से आप लोगों को जीना है। और इसी के साथ में आप लोगों के सामने भी क्वेश्चन आएंगे, ये जो क्वेश्चन होंगे मेरे आंसर देने से पहले आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और उसके बाद में आगे को बढ़ना है आप लोगों को। इस तरीके से अगर आप लोग इसको वीडियो को अटेम्प्ट करके चलेंगे ना तो लंबे समय तक आप लोग इसको याद रख पाएंगे। तो एक एक कर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। वीडियो के एंड में आप लोग अपने स्कोर जरूर बताया कीजिए और इसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोगों का कम आ रहा है और अगर अच्छा आ रहा है तो अच्छे से इसी तरीके से आप लोग पार्टिसिपेट करते रहिए। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं आइए फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में बात की जा रही है ब्रिक के बारे में, तो क्या क्या स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। पहली स्टेटमेंट बोला गया कि फर्स्ट ब्रिक समिट ये रियो डी जनेरियो में हुई थी 2009 में। साउथ अफ्रीका यहां पर लास्ट ज्वाइन कर पाया था ब्रिक को, यानी कि स्टार्टिंग में साउथ अफ्रीका इसमें नहीं था। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया वन ओनली, बी बोला गया टोली, सी बोला गया बोथ वन एंड टू, डी बोला गया नाइदर वन नो टू। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहां पर इसका बी, यानी कि सेकेंड स्टेटमेंट सही है। फॉर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि जो फर्स्ट समिट थी यहां पर वो रसिया में हुई थी, ना कि ये रियो डी जनेरियो। रियो डी जनेरियो कहां पर है? रियो डी जनेरियो है ब्राजील के अंदर, तो ब्राजील के अंदर नहीं हुई थी वो, रसिया के अंदर हुई थी 2009 में फर्स्ट समिट। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आंसर यहां पर बी हो गया। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। यहां पर ब्रिक के बारे में क्या क्या बातें की जा रही है। स्टार्टिंग में इसको बी आर आई सी बोला जाता था, ब्राजील रसिया इंडिया चाइना, पर लेकिन 2009 में इसमें साउथ अफ्रीका, वो सॉरी 2010 में आगे चल के इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हो गया, तो फिर से इसको ब्रिक्स हम लोग बोलने लगे। 2009 में इसकी पहली समिट यहां पर आप लोगों को देखने को मिली जो कि रसिया में हुई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। और फाउंडर जो मेंबर है उसमें साउथ अफ्रीका नहीं है। अगर फाउंडर मेंबर आप लोगों से पूछे तो इंडिया, ब्राजील, चाइना और रसिया है, क्योंकि साउथ अफ्रीका बाद में यहां पर ऐड हुआ था। तो पांच मेंबर का आज के डेट में ये ग्रुप आप लोगों को देखने को मिलता है। इसी के साथ में ये इंपॉर्टेंट समिट है, इनके बारे में आप लोगों से कई बार क्वेश्चन बन सकते हैं और पास्ट में भी पूछे जा चुके हैं अलग अलग एग्जाम्स में। सबसे पहली जो समिट हुई थी 2009 में रशिया में हुई थी, यहां पर ये आप लोगों ने देखा। फिर आप लोग देखिए इंडिया में कौन सी समिट हुई थी, फोर्थ समिट इंडिया में हुई थी। ये इंडिया में हुई थी फोर्थ समिट यहां पर, और उस टाइम पर मनमोहन सिंह जी यहां पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, तो न्यू दिल्ली में ये आप लोगों को देखने को मिली ताज होटल में। इंपोर्टेंट क्या है यहां पर, जो ब्रिक है यहां पर इसके द्वारा अनाउंस किया गया ऑप्टिकल फाइबर सबमरीन कम्युनिकेशन, यानी कि कनेक्टिविटी करने की बात की गई इन कंट्री के साथ में, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट है। आगे चल के फिर इंडिया में कौन सी समिट हुई, फिर आठवीं, देखिए चौथी हुई फिर आठवीं, ठीक है, ये इंडिया में हुई। यहां पर इस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन है, यहां पर नरेंद्र मोदी जी। तो यहां पर ये आप लोगों को जो देखने को मिली इसके साथ में इंपोर्टेंट, यहां पर ये आप लोग याद रखिएगा पॉइंट जो कि काफी इंपोर्टेंट है। बिम्स्टेक की समिट भी इसके पैरेलल में यहां पर बुलाई गई, यानी कि ब्रिक समिट के पैरेलल में बिम्स्टेक भी यहां पर बुलाया गया। इसी के साथ में ये काफी इंपोर्टेंट है। एक और इंपोर्टेंट पॉइंट वो है यहां पर ये क्या है, यहां पर ये है छठी समिट जो कि ब्राजील में हुई थी। यहां पर ये जो है इस टाइम पर जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसके बारे में हम लोगों ने बात की। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि कोई ऐसा बैंक होना चाहिए जो कि ब्रिक कंट्री का भी अपना खुद का बैंक होना चाहिए, तो यहां पर इसके बारे में ये बात की गई, तो ये भी काफी इंपोर्टेंट स्टेटमेंट आप लोगों के लिए बन सकती है। नेक्स्ट जो समिट होने वाली है, अभी जो समिट हुई है यहां पर ये होगी कहां पर होगी, ये ब्राजील में होगी नवंबर के महीने में, ठीक है। और इसके अलावा जो इसके नेक्स्ट जो समिट होगी 2020 में ये रशिया में होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से पूछी जा सकती है किसके साथ में होगी, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ में इस समिट को मिलकर यहां पर ये कराया जाएगा। तो ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकते हैं। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया भी मेंबर है और पाकिस्तान भी मेंबर है, दोनों के द्वारा ज्वाइन किया गया 2017 में संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को। तो इसको नेटो का जो वेस्टर्न वर्ल्ड का ग्रुप है उसके कंपेयर में हम लोग ये आज के डेट में संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं आप, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए बन जाते हैं यहां से। तो एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, इंडिया के बारे में जरूर याद रखिएगा, फोर्थ हुई थी और एट्थ हुई थी। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर यूपीएससी में पूछा जा चुका है, इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या बात की जा रही है। कुछ पॉइंट दे रखे हैं और उनको मैच करने के लिए बोला गया पीयर्स में, और करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर पूछा गया है। पहला बोला गया यहां पर दंपा टाइगर रिजर्व बोला जा रहा है मिजोरम के अंदर है, गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोला गया सिक्किम के अंदर है, सारामती पीक बोला गया नागालैंड के अंदर है। सही स्टेटमेंट कौन सी है? ए में बोला जा रहा है वन ओनली, बी में बोला जा रहा है टू एंड थ्री, सी में बोला जा रहा है वन एंड थ्री, डी में बोला जा रहा है वन टू एंड थ्री। ए बी सी एफ डी, सही आंसर क्या है? सही आंसर है यहां पर इसका सी, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यहां पर जो कि बोला जा रहा है दंपा टाइगर रिजर्व कहां पर है, ये मिजोरम के अंदर है जो कि एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है हमारी कंट्री का।
फिर बोला जा रहा है यहां पर गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहां पर कहां पर है, ये सिक्किम में नहीं, यहां पर ये आप लोगों को त्रिपुरा में नजर आएगी। तो काफी इंपोर्टेंट है यहां पर, एशियन एलिफेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, वाटर बफेलो, डियर और भी कई सारे आप लोगों को जानवर यहां पर नजर आएंगे। सारामती पीक कहां पर है, ये नागालैंड के अंदर है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, पर सेकंड स्टेटमेंट जो सिक्किम है इसकी जगह त्रिपुरा आएगा, तब ये सही आंसर होगा। तो आंसर यहां पर सी हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे, ये भी यूपीएससी में पूछा जा चुका है, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी के बारे में बात की जा रही है और करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों से पूछा गया है। पहली स्टेटमेंट बोला गया है कि ये सर्व करता है फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एंड यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि क्लाइमेट चेंज और बायोलॉजिकल डायवर्सिटी के बारे में बात करता है यहां पर, ये जैव विविधता के बारे में बात करता है और जलवायु परिवर्तन के बारे में। सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है कि यहां पर ये साइंटिफिक रिसर्च करता है एनवायरमेंट इशू रिलेटेड टू ग्लोबल लेवल। तीसरा बोला गया है यहां पर ये एजेंसी है अंडर OECD, तो फैसिलिटी करती है यहां पर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, और इसी के साथ में यहां पर ये अंडर डेवलप्ड जो कंट्री है उनका प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं एनवायरमेंट के फील्ड में। डी में बोला गया है ए और बी सही है। सही आंसर क्या है यहां पर, ABCFD, सही आंसर यहां पर इसका ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये एक तरीके की फाइनेंशियल मैकेनिज्म है जो कि कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डायवर्सिटी और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के लिए काम करती है। इसके लिए यहां पर बेसिकली एक तरीका, आप लोगों को जो प्रोजेक्ट दिखेगा वो यहां पर ग्रांट प्रोवाइड कराएगा बायोलॉजिकल डायवर्सिटी के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, इंटरनेशनल वाटर लैंड डिग्रेडेशन के लिए, ओजोन डिग्रेडेशन के लिए अगर कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती है, या परसिस्टेंट ऑर्गेनिक जो पोल्यूटेंट होते हैं उनको रोकने के लिए यहां पर ये फंड प्रोवाइड कराता है। तो ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी है यहां पर ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म, ए आंसर सही है। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी यूपीएससी में पूछा जा चुका है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बारे में क्वेश्चन है, जिसको BNHSB बोला जाता है। तो BNHS के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। बोला जा रहा है कि एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर में आती है। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया है कि एक कंजर्वेशन का काम करती है थ्रू एक्शन बेस्ड रिसर्च एजुकेशन और पब्लिक अवेयरनेस। तीसरा बोला गया ऑर्गेनाइज कराती है, कंडक्ट कराती है नेचर ट्रायल और कैंप्स, खासकर जनरल पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या स्टेटमेंट करेक्ट है, ए में बोला गया 1, 3, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया 2, 3, डी में बोला गया 1, 2, 3। सही आंसर क्या है, ABCFD, सही आंसर यहां पर इसका सी, यानी कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है पर फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। रीजन क्या है, रीजन यहां पर ये किसी भी मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आती है, ये एक तरीके की एनजीओ है। एनजीओ क्या होता है, जिसको आप लोग बोलते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो होता है एनजीओ होता है बेसिकली, ये अपने हिसाब से यहां पर काम करते हैं, किसी भी मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आता है। तो आंसर क्या हो गया यहां पर इसका, आंसर हो गया यहां पर इसका सी। थोड़ा सा डिटेल में और समझ लेते हैं, जो यहां पर बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है वो 15 सितंबर 1883 में इसको बनाया गया था, और ये एक तरीके की लार्जेस्ट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, जो कि कंजर्वेशन एंड बायोडायवर्सिटी रिसर्च के फील्ड में काम करती है। बहुत सारी रिसर्च इसके द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, और इसी के साथ में ये एजुकेट भी करती है, अवेयरनेस भी फैलाती है लोगों के लिए, ताकि पर्टिकुलर एरिया में अवेयरनेस आ सके और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन निकाला जा सके। तो उस फील्ड में भी काफी अच्छे से ये काम करती है, तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आंसर यहां पर सी है। आगे चलते हैं, तेजस एक्सप्रेस के बारे में बात की जा रही है, काफी न्यूज में थी रिसेंटली ये, तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए इससे रिलेटेड बन सकता है। बोला जा रहा है कि यहां पर रिसेंटली फर्स्ट ये कॉर्पोराइज ट्रेन, यानी कि एक तरह से प्राइवेटाइज ट्रेन, यानी कि प्राइवेट के हैंड में है ये तेजस एक्सप्रेस, यहां पर स्टार्ट की गई। कहां से इसको स्टार्ट किया गया, बेंगलुरु, लखनऊ, चेन्नई या फिर हैदराबाद, ABCFD सही आंसर क्या है। तो जो सही आंसर है यहां पर इसका ये है बी, यह है बी, यानी कि लखनऊ से इसको स्टार्ट किया गया। तो तेजस एक्सप्रेस यहां पर यह दिल्ली और लखनऊ के बीच में आप लोगों को देखने को मिली, जो कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया, और ये फर्स्ट प्राइवेटाइज ट्रेन ही हमारी कंट्री में मानी जा रही है। तो इसके बारे में ये आप लोग आइडिया रख सकते हैं, हमारी कंट्री में जब से ट्रेन स्टार्ट हुई है फर्स्ट टाइम यहां पर प्राइवेट फील्ड में यहां पर ये ट्रेन आप लोगों को जाती हुई नजर आ रही है। तो देखते हैं कितने अच्छे से इंप्लीमेंट करते हैं और कैसे सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं आने वाले टाइम में। ओके, बी है आंसर। आगे चलता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारी कंट्री की नेवल के पॉइंट ऑफ से बात की जा रही है INS विक्रमादित्य के बारे में, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। ये एक मॉडिफाइड केव क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये सर्विस में आया 2016 में, ओरिजिनली ये बुल्ट किया गया एज ए बाकू, तो बाकू के नाम से इसको आप लोग जानते थे ओरिजिनली। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ए में बोला गया 1 only, बी बोला गया 1 and 2, सी बोला गया 2 and 3, डी बोला गया 1 and 3। सही आंसर क्या है, ABCFD।
सही आंसर यहां पर इसका डी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है। ये एक तरीके का प्रोजेक्ट था यहां पर यूएसएसआर, जिसको आप लोग आज के डेट में रसिया बोलते हैं। डिसइंटीग्रेशन हो गया 90s में, उसके बाद में इसको रसिया बोले जाने लगा। तो इसका ये प्रोजेक्ट था बेसिकली यहां पर, ये इसमें यहां पर ये स्टार्ट किया गया हमारी कंट्री में 2013 में, यानी कि 2016 में इसको स्टार्ट नहीं किया गया, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। बाकी इसको उस टाइम पर इसको बाकू के नाम से पुकारा जाता था। तो देखिए इसके बारे में ये तो आप लोगों को पॉइंट पता होने चाहिए, यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, ठीक है। तो आंसर यहां पर इसका डी हो गया। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट बातें आप लोग यहां पर याद रखते हैं। ओरिजिनली इसे बाकू के नाम से पुकारा जाता था, और इसको जो कमीशन किया गया था यूएसएसआर के टाइम पर 1987 में इसको कमीशन किया गया था। बाकी आगे चलकर इसको जो रशियन नेवी थी उसके द्वारा इसको डी कमीशन कर दिया गया लगभग 1996 में, यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोलो तो 9 से 10 साल इनके द्वारा चलाया गया, इसको डी कमीशन कर दिया गया, ठीक है। उस टाइम पर इसको एडमिरल ग्रोसकोव के नाम से जाना जाता था। फिर आगे चलकर इसको हमारी कंट्री के द्वारा बोला गया रीबिल्ट करने के लिए कि आप लोग इसको रीबिल्ट कीजिए और फिर हम लोग इसको खरीद लेंगे। तो इसकी मरम्मत की गई, खूब अच्छे से इसके ऊपर पैसा लगाया गया और फिर इसको रिपेयर कर हमारी कंट्री को बेचा गया 2013 में। इसको कंप्लीटली एक तरीके से मॉडिफाई कर आप लोग बोल सकते हैं, ऐसे नहीं होता गाड़ी को मॉडिफाई करा लेते हैं। तो ये हमारी कंट्री को बेचा गया और फिर हमारी कंट्री में 2013 में इसको कमीशन किया गया, और काफी शानदार तरीके से ये काम कर रहा है। तो ये आइडिया रखेगा इसके बारे में, आंसर डी हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर, बात की जा रही है ये सरस्वती सम्मान के बारे में। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आप लोगों को बताना है। यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया ये प्रेजेंट किया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि ये जो सम्मान है एनुअली अवार्ड जो दिया जाता है ये आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क जो रहता है इंडियन लैंग्वेज में शेड्यूल सेट 6 में हमारे संविधान में मेंशन है। अगर कोई इस फील्ड में 20 साल तक यहां पर अच्छा प्रॉपर वे में काम कर रहा है तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया ओनली वन, बी में बोला गया टू, सी में बोला गया वन एंड टू, और डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। ए बी सी एफ डी सही आंसर क्या है? सही आंसर है यहां पर इसका ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है। रीजन क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को मैंने कई बार पढ़ाया कि हमारे संविधान में टोटल मिलाकर यहां पर जो शेड्यूल है यह है 8 शेड्यूल। 8 शेड्यूल में पहले 14 लैंग्वेज थी, आज के डेट में इसमें 22 लैंग्वेज हैं। तो ये 22 लैंग्वेज जो हैं इनको शेड्यूल लैंग्वेज बोला जाता है। तो शेड्यूल लैंग्वेज में अगर कोई काम करता है, आने वाले 10 साल तक की बात यहां पर की जा रही है, अगर कोई यहां पर मतलब 10 साल तक अगर कोई एचएसएस में काम कर रहा है, अच्छे अच्छे पब्लिकेशन उसके द्वारा किए गए, अच्छी जो चीजें पब्लिश की गई, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। जो ये हमारी कंट्री में लिटरेरी के फील्ड में हाईएस्ट रिकॉग्निशन इसको माना जाता है, और यहां पर 15 लाख का यहां पर प्राइज दिया जाता है। अवार्ड जो प्रेजेंट किया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये प्रेजेंट किया जाता है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी 10 साल का काम करना होता है और शेड्यूल ये 8th में है, टोटल 22 लैंग्वेज है हमारी कंट्री में, ठीक है। तो आंसर इसका ए हो गया। आगे बढ़ता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर, बात की जा रही है INS नीलगिरी के बारे में। बोला जा रहा है ये सेकेंड शिप है अंदर प्रोजेक्ट 17th ए। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि 17th ए यहां पर ये फ्राइट्स इज ए डिजाइन डेरिवेटिव्स ऑफ शिवालिक क्लास स्टील्थ फ्राइट्स विद अ मच मोर एडवांस स्टील्थ फीचर इन द इंडिजीनियस वेपन एंड द सेंसर्स। तो सही स्टेटमेंट कौन सी है यहां पर, तो इसके बारे में आप लोगों को बता होना चाहिए, अभी डिस्कस करूंगा। ए में बोला गया वन ओनली, बी बोला गया टू ओनली, सी बोला गया बोथ वन एंड टू, डी बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है यहां पर, ए बी सी एफ डी। सही आंसर है इसका बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट यहां पर सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि जो प्रोजेक्ट 17A है ये हमारी कंट्री का एक प्रोजेक्ट है, जो कि यहां पर शिवालिक क्लास स्टील्थ जो फ्राइट है वो हमारी कंट्री में डिजाइन किए जाते हैं। ये एक तरीके से मॉडर्न आप लोग बोल सकते हैं, जो हमारी कंट्री में इंडिजिनियसली वेपन डेवलप किए जाते हैं, जिस तरीके से आप लोग बोले कि हमारी कंट्री खुद पे काम कर रही है, तो इसी तरीके से ये पर्टिकुलर फील्ड में हमारी कंट्री खुद पे काम कर रही है। तो जो शिवालिक यहां पर ये बोला गया है ये हमारी कंट्री का खुद का प्रोजेक्ट है, इंडिजिनियसली चीजें डेवलप की जा रही है, जिसको हम लोग 17th प्रोजेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो उसके तहत यहां पर जो मल्टी रोल के लिए यहां पर हम लोग इनको यूज करते हैं, नेवी की पावर बढ़ाने के लिए बेसिकली इसको यूज किया जाता है। तो ये फर्स्ट शिप है यहां पर इसके तहत, तो ये सेकंड शिप नहीं है, ठीक है। बाकी ये याद रखेंगे यहां पर जो ये डिजाइन किया गया है, बेसिकली ये जो शिवालिक हम लोगों ने देखा है ना, शिवालिक क्लास जो स्टेल्थ इसको बोला गया है, इसलिए बोला गया कि ये एक तरीके से मल्टी रोल फ्राइट इसको माना जा रहा है हमारी कंट्री में, नेवी की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो मॉडर्न वेपन सेंसर आप लोग इसके ऊपर नजर आएंगे, सर्विलेंस की क्वालिटी यहां पर बढ़ती हुई नजर आएगी। तो सी में किस तरीके से आई रखनी है, एक तरीके से ध्यान रखना है, वो सारा काम करेगा, और इंडिजिनियसली डेवलप वेपन और सेंसर भी आप लोगों इसके ऊपर नजर आएंगे। तो आंसर बी हो गया। एक कल्चर फेस्टिवल के बारे में बात की जा रही है, जिसका नाम है बाथुकम्मा। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? बोला गया है ये जो ट्रेडिशनली सेलिब्रेट किया जाता है ओनली वुमेन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है मेनली।
बोला जा रहा है ये आंध्र प्रदेश का फेस्टिवल है। तीसरा बोला जा रहा है तेलुगु, जिसमें बातुकम्मा का मतलब है मदर गोड्स है, ठीक है। तो मदर गोडेस जो कम अलाइव, यानी कि मदर गोडेस जो है वो एक तरीके से उसके लिए यहां पर ये सेलिब्रेट किया जाता है, मातृ देवी जिंदाओ, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिकली बात की जा रही है, यानी कि एक तरीके से देवी के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, देवता के लिए नहीं। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया 1 एंड 2, बी बोला गया 2 एंड 3, सी बोला गया 1 एंड 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहां पर इसका सी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यहां पर, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट गलत है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है, ना कि आंध्र प्रदेश में, और ये ओनली वुमेन के द्वारा यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, और ये देवी से रिलेटेड यहां पर फेस्टिवल है, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर नहीं तेलंगाना के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। तेलंगाना से अलग कर आंध्र प्रदेश को 2014 में एक नया राज्य बना दिया गया था। उस टाइम पर 29 राज्य हमारी कंट्री में हो गए थे, पर लेकिन फिर से 28 हो गए हैं जब से आर्टिकल 370 हटाया गया है, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया जम्मू एंड कश्मीर को, तो फिर से हमारी कंट्री में 28 राज्य हो गए हैं। तो ये कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? तेलंगाना, ना कि आंध्र प्रदेश में। ओके, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर, रिसेंटली अभी ये न्यूज में था, गालो कम्युनिटी के बारे में बात की जा रही है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? बोला जा रहा है कि जो गालो है यहां पर, ये बिलोंग करती है तानी ग्रुप, जो इनहेबिटेंट है आसाम, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और इसी के साथ में तिब्बत। ये यहां पर जो ओरिजिन है, खासकर जहां से ओरिजिन इनका होता है, तो इतना यहां पर बात की जा रही है, प्रीमेवल एंसेस्टर जिनको एबोटनी ये कहते हैं, यानी कि एक तरीके से इनका जो नाम होता है वो ऐसे रखा होता है कि बाबा, दादा, परदादा सबके नाम आप लोग इनके नाम में से निकाल सकते हैं। मोपन इनका यहां पर एक मेन फेस्टिवल है, जो कि गालो कम्युनिटी का, जो कि विलेज की प्रोस्पेरिटी के बारे में बात करता है। सही स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया 1 एंड 2, बी बोला गया 2 एंड 3, सी बोला गया 1 एंड 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहां पर ये है इसका बी, यानी कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, पर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। तो जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में। देखिए लगभग 1.5 लाख पीपल है पर्टिकुलर गालो कम्युनिटी के बारे में अगर बात करते हैं। 16 मेजर कम्युनिटी है ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर में, बाकी आसाम, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत में भी आप लोगों को देखने को मिलती है। पर लेकिन स्टेटमेंट में क्या बोला गया यहां पर, यहां पर जो बोला गया है वेस्ट बंगाल, मणिपुर, तो यहां पर ये गलत स्टेटमेंट है, यहां पर ये देखने को आप लोगों को नहीं मिलेगी, ठीक है। इसी के साथ में अरुणाचल प्रदेश के बारे में हो गया। बाकी अगर इनके बात करें आप लोग, जो इनका नाम जो होता है वो इस तरीके से होता है कि जिस पर्सन के नाम के ऊपर आप लोग उंगली रखेंगे, उससे उसके परिवार के सबके नाम आप लोग बता देंगे, इस तरीके से बेसिकली यहां पर ये देखने को मिलता है। और ये जो मैंने अभी मोपिन आप लोगों को ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया बताया, तो यहां पर ये सेलिब्रेट किया जाता है शानदार तरीके से, ताकि जो गांव है उसके डेवलपमेंट के बारे में बात की जा सके, उसको प्रोस्पेरिटी उसकी देखी जा सके, ठीक है ना। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। गालो जो परफॉर्मर यहां पर रहते हैं, जिनको यहां पर यह पोपिर, पोपिर डांस भी यहां पर इसको बोला जाता है, ठीक है, जब यहां पर इसके बारे में हम लोग बात करें तो ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है, ये अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। और इसी के साथ में देखिए चीजों को खुद पे पढ़िए और दूसरों को पढ़ाइए जब भी टाइम मिले, इसी तरीके से आप लोगों अपने आप को भी अच्छे से डायरेक्शन देनी है और सोसाइटी को भी डायरेक्शन देना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा, जो कि होगा दैनिक न्यूज़पेपर का डिस्कशन। तब तक के लिए जय हिंद।